गाइस आज के वीडियो में आपको मैं टॉप 3 रीजंस बताने वाला हूँ कि अगर आपका चैनल मोनेटाइज है तो कभी भी वो डीमोनेटाइज हो सकता है। तो गाइस वीडियो में बने रहिए। हे गाइस वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। माय नेम इज मोहित एंड यू आर वाचिंग डिजिटल मोहित। आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आपका चैनल मोनेटाइज हो चुका है तो किन वजह से आपका चैनल डीमोनेटाइज भी हो सकता है, और ये कभी भी हो सकता है, आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपका चैनल डीमोनेटाइज हो गया है। तो ऐसे 3 स्टेप्स है जिसकी मदद से आप जान सकते हो कि क्या वजह है, वो 3 रीजंस जिसके वजह से आपका चैनल डीमोनेटाइज कभी भी हो सकता है। अगर आप एक नए क्रिएटर हो या आपका चैनल मोनेटाइज हो चुका है, या अगर आपका अभी तक चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है लेकिन आप एक वीडियो यूट्यूब क्रिएटर हो, तो आपको ये बातें पता होना चाहिए कि किन रीजंस की वजह से आपका चैनल कभी भी डीमोनेटाइज हो सकता है, फिर वो चैनल को कोई मतलब नहीं रहेगा। तो गाइस वीडियो में बने रहिए, मैं सब कुछ आपको नॉलेज दूंगा डिटेल में 100% प्रूफ के साथ और 100% रियलिटी के साथ कि एक्चुअल में ऐसा होता है और लोगों के साथ भी हुआ है। तो गाइस वीडियो में बने रहिए, वीडियो को पूरा एंड तक देखना, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बिकॉज आपको इस चैनल पे यूट्यूब रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक हमेशा डेली बेसिस पे मिलते रहेगा। तो गाइस सबसे पहला जो रीजन है वो है स्ट्राइक का। स्ट्राइक आपने सुना भी होगा, कॉपीराइट स्ट्राइक आते हैं। अगर आप अपने वीडियो में कुछ उल्टा सीधा बोल रहे हो, उसमें गलत लैंग्वेज यूज कर रहे हो, गलत वीडियोस आप बना रहे हो, उसमें टाइटल कीवर्ड मिसलीडिंग यूज कर रहे हो, तो उस केस में आपको स्ट्राइक आते हैं आपके यूट्यूब चैनल पर। अगर आपके चैनल पर स्ट्राइक आ चुकी है तो आपको ये पता रहना चाहिए कि 3 स्ट्राइक अगर 90 दिनों में आती है तो आपका चैनल टर्मिनेट हो जाता है, मतलब डिलीट यूट्यूब खुद कर देता है। तो स्ट्राइक अगर आती है तो आप उसको हटा भी सकते हो। मैंने इस पर वीडियो बना के रखा कि मेरे चैनल पे भी स्ट्राइक आई थी, तो आई बटन में आपको उसका वीडियो मिल जाएगा, आप डिटेल में उसको समझ सकते हो कि स्ट्राइक क्यों आती है, उसका रीजन क्या है और उसको कैसे हटाते हैं। तो जरूर उसको एक बार जरूर चेकआउट करना। तो गाइस सेकेंड जो रीजन है वो है इनवैलिड क्लिक का। अगर आपका चैनल अभी अभी मोनेटाइज हुआ है तो आपको लग रहा होगा कि उस पर एड्स आते हैं, ठीक है, सबके यूट्यूब चैनल पे एड्स आते हैं जिनका चैनल मोनेटाइज है। तो आपका नया नया तो आपको ये पता नहीं होगा कि अगर आप अपने मोबाइल से खुद के वीडियोस देखते हो तो उस केस में अगर आप अपने वीडियो को देख रहे हो, उसके एड्स देख रहे हो, उस पर क्लिक कर रहे हो, तो यूट्यूब उसको इनवैलिड क्लिक कहलाता है। अगर आप अपने दोस्तों को शेयर कर रहे हो अपने वीडियोस और लोग उसको ओपन कर रहे हो वो वीडियो को डायरेक्ट और उस पर लिंक्स पे क्लिक कर रहे हो, एड्स पे क्लिक कर रहे हो, तो उस केस में भी इनवैलिड क्लिक्स होने का चांसेस है। तो आपको ध्यान रखना है कि अपना वीडियो को ऐसे जगह ही शेयर करें जो लोग उसको पूरा देखे, ठीक है, उस पर ज्यादा कोई रिपोर्ट ना करे, कोई डिसलाइक ना करे, ऐसी चीजें ना करे अगर आप डायरेक्ट शेयर करते हो तो। अगर यूट्यूब की तरफ से ट्रैफिक आता है उस पर ये सारी चीजें होती तो उसका ये नहीं होता, लेकिन अगर आप इलीगल वैसे मतलब अनएथिकल वैसे अपने लोगों को शेयर कर रहे हो, आप खुद के मोबाइल से 10 मोबाइल लेकर आप अपने आईडी से ही अपने यूट्यूब वीडियो देख रहे हो, तो उस केस में आपको इनवैलिड क्लिक का खतरा हो सकता है, जिससे आपका चैनल टर्मिनेट हो सकता है, डिलीट हो सकता है, डीमोनेटाइज हो सकता है। थर्ड है हाई CTR। अब ये वीडियो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे कि CTR क्या होता है, जैसे कि गूगल एडसेंस में आपका अमाउंट आता है, तो उस केस में CTR होता है क्लिक थ्रू रेट, कि आपका गूगल एडसेंस का CTR क्या है, आपको जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है यूट्यूब के थ्रू उसका CTR रेट क्या है। अगर वो ज़्यादा हाई होता है तो उस केस में भी आपका चैनल डीमोनेटाइज होता है, लेकिन अभी नए वाले यूट्यूब स्टूडियो में आपने देखा होगा कि उसमें CTR का केस नहीं है। इस रिलेटेड मैंने पूरा वीडियो डिटेल वीडियो बना के रखा है कि CTR को कैसे चेक करना है, YouTube स्टूडियो में आप CTR को कैसे चेक कर सकते हो, जिससे आप पता लगा सकते हो कि आपका CTR रेट क्या है, जिसकी वजह से आपको हेल्प होगी कि आपका चैनल डीमोनेटाइज होने के टाइम पे है या मेरा चैनल अभी प्रॉपर चल रहा है। तो ये 3 टॉप जो रीजंस है वो आपको पता होना चाहिए। CTR हाई नहीं होना चाहिए आपका, स्ट्राइक नहीं आनी चाहिए और इनवैलिड क्लिक्स नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका कभी भी चैनल डीमोनेटाइज हो सकता है, ये रियलिटी है। ये लोग आप गूगल पर अगर सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि डीमोनेटाइज स्ट्राइक की वजह से कैसा होता है, इनवैलिड क्लिक्स क्या होता है यूट्यूब पे, तो आपको ये सारे वीडियोस मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपको यूट्यूब रिलेटेड कुछ भी हेल्प चाहिए, कुछ भी टिप्स चाहिए, तो आप जरूर मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हो। मेरे चैनल पे आपको यूट्यूब रिलेटेड बहुत सारे अच्छे अच्छे यूजफुल कंटेंट मिलेगा, जिसमें अगर आपका कुछ भी डाउट होता है, क्योंकि बड़े बड़े जो क्रिएटर्स होते हैं अगर आप वहाँ पे कुछ क्वेश्चन होगा तो आप वहाँ पे पूछते हो, वहाँ पे आपको रिप्लाई नहीं मिलता, लेकिन अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन करते हो तो आपको 100% रिजल्ट और उसका रिप्लाई भी जरूर मिलेगा। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको आई होप कि अच्छा लगा होगा। आई बटन में आपको वीडियोस मिल जाएंगे इस टॉपिक रिलेटेड और डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएंगे, जरूर उसको चेकआउट करिए। तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक पे। तो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू ऑल।